हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो जैसे आपको पता ही होगा, ये हमारी बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास सीरीज का थर्ड वीडियो है, जहां हम आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज, जो आपको बहुत सारे ट्रेनर्स 5000 से लेके 50,000 तक भी चार्ज कर रहे, वो सब हम आपको इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। जैसे टाइटल से आपको समझ ही गया होगा, ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। और अगर आपको ये कोर्स स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ स्टार्ट से देखना, ताकि आपका कोर्स में फ्लो बना रहे। आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू चार्ट प्राइम, हु आर ऑल्सो टूडेज वीडियो स्पॉन्सर। जिनको नहीं पता, चार्ट प्राइम इज अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस। ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विसेज नहीं है। इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है, और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फर्मेशन की द्वारा अपने एनालिसिस में यूज करेंगे। इनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है डिस्कॉर्ड पे, जहां ये लोग ट्रेड आइडियाज पोस्ट करते रहते हैं और नए सेटअप्स भी पोस्ट करते हैं। इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं बाकी के ट्रेडिंग सर्विसेज के कंपैरिजन में। रेट भी बाकी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ ही है, जिसमें ये आपको 6 इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं विद 20 डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट, जो आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा, बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करते हैं। सो आई वुड एडवाइज टू टेक देयर 1 month सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योरसेल्फ, और जितने एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो, अगर आपको सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो, वरना मत करना, कौन फोर्स कर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अगर आपने वहाँ से अकाउंट ओपन किया तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपको इफेक्टिवली ये प्रोडक्ट और सस्ते में मिल रहा है। सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन मेक श्योर टू चेक देम आउट। आज का सेशन हम कैंडलस्टिक के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि हमें इसको 2 parts में कवर करना पड़ेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका इंट्रो देखते हैं, जिसके बाद हम हमारा थर्ड सेशन कंप्लीट गाइड ऑन कैंडलस्टिक part 1 को कवर करेंगे। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कैंडलस्टिक चार्ट देखने से पहले सबसे पहला आपको डाउट होना चाहिए कि आखिर ये कैंडलस्टिक चार्ट है क्या और ये आया कहाँ से। वेल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे देता हूँ। ऐसा माना जाता है कैंडलस्टिक डेवलप हुआ था 18th century में बाय मुनिशा होमा, जो एक जापनीज राइस ट्रेडर थे। वो उस टाइम पे राइस का मूवमेंट कमोडिटी मार्केट में ऑब्जर्व करते थे कि राइस का प्राइस कब बढ़ रहा है या फिर कब घट रहा है, और या फिर किस टाइम पे वो चेंजेस आ रहा है। उन्होंने ये सारे प्राइस के एक्शंस को नोट डाउन किया और ये कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में डिनोट किया। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, कोई भी चीज़ का प्राइस उसके सप्लाई और डिमांड से तो डिटरमाइन होता ही है, बट मार्केट इमोशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। सो जब भी प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, वो स्टार्ट यही कैंडलस्टिक से ही होता है। लेटर स्टीव निसॉन ने अपनी बुक जापनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स में इसे वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया इन 1991। अब सवाल ये है कि कैंडलस्टिक आखिर होता क्या है, दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। इन सिंपल टर्म, कैंडलस्टिक चार्ट आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू डिटरमाइन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न। जनरली जब भी आप ये चार्ट खोलोगे ना, तो आपको ये सारे प्राइस के मूवमेंट रैंडम लगेंगे, बट ट्रेडर इन्हें यूज करते हैं ताकि वो प्राइस एक्शन के शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस को फोरकास्ट कर सके। अब आखिर ये कैंडल्स बनते कैसे, देखिए सिंपल है। लेट्स से आज प्राइस यहाँ ओपन हुआ और थोड़े टाइम बाद प्राइस इधर नीचे चला गया, फिर लेटर हाफ में प्राइस यहाँ पर ऊपर चला गया और लास्ट में जाके यहाँ क्लोज हुआ। अब कैंडलस्टिक में ये जो हाई वाला पॉइंट है ना, उसको कैंडल का हाई बोला जाता है, ये जो लो वाला पॉइंट है उसे कैंडल का लो बोला जाता है, और ये जो ओपन और क्लोज प्राइस जो है ना, उसको जब फॉर्म करके रेक्टेंगुलर कैंडल बनाते हैं। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है तो इस कैंडल का कलर ग्रीन से डिनोट किया जाता है, और अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे हुआ तो इसे रेड से डिनोट किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कलर वाले पार्ट को हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। अब ये कैंडल का जो ऊपर वाला लाइन है या फिर ये जो शैडो है, उसे हम विक बोलते हैं, और ये जो लोअर शैडो बनता है उसे हम टेल बोलते हैं। सो आप देख सकते हो आज मार्केट में क्या हुआ है, प्राइस ऊपर है या नीचे गया है, ये सब आप सिर्फ एक कैंडल देख के बता सकते हो। किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये बुलिश कैंडल को वाइट से भी डिनोट करते हैं और ये बेरिश कैंडल को ब्लैक से डिनोट करते हैं।
जब आप इसको ये नॉर्मल लाइन चार्ट से कंपेयर करोगे ना, तो आपको चार्ट में देखो उस दिन का क्या क्लोजिंग प्राइस था, क्या ओपन प्राइस था, कितना ऊपर गया, क्या फिर क्या हाई बनाया या क्या लो बनाया, ये सब मिल जाता है। और इसके बेसिस पे ही ट्रेडर ट्रेड लेने की कोशिश करता है। कैंडलस्टिक आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है व्हेन कंपेयर टू लाइन चार्ट। आई होप आपको ये समझ गया है। अब एक बेसिक कैंडल देखते हैं, जिसमें जैसे हमने इधर बताया ये विक या टेल नहीं होता। ऐसे कैंडल को माराबुजो कैंडल बोलते हैं। माराबुजो कैंडलस्टिक एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन या रिवर्सल सिग्नल देता है। माराबुजो कैंडलस्टिक में रियल बॉडी बहुत बड़ा होता है और ऊपर और लोअर शैडो होता ही नहीं है या फिर बहुत नेग्लिजिबल होता है। अगर एक बुलिश ट्रेंड में एक ग्रीन माराबुजो कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स कंट्रोल में है और प्राइस को और ऊपर पुश कर रहे हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर। इस तरह अगर बेरिश ट्रेंड में आपको एक माराबुजो कैंडलस्टिक दिखता है ना फॉर्म होते हुए, तो ये इंडिकेट करता है कि सेलर कंट्रोल्स में है और प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको ये एक स्टॉक का चार्ट एनालाइज कर रहे हो और ये अप ट्रेंड में भी है। सो यहाँ पर आपको एक ग्रीन माराबुजो कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए दिखा, दैट इज विद अ लॉन्ग रियल बॉडी और कोई शैडो नहीं है इसमें, या फिर है तो भी नेग्लिजिबल है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बायर कंट्रोल्स में है और प्राइस को और ऊपर लेके जा रहे और इधर कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर एक और चार्ट एनालाइज कर रहे हो जो डाउन ट्रेंड में है और इधर भी आपको एक माराबुजो कैंडलस्टिक दिखता है रेड वाला विद अ लॉन्ग रियल बॉडी और कोई भी सिग्निफिकेंट शैडो नहीं है उसमें, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में है और प्राइस को और नीचे पुश करेंगे विदाउट एनी बाइंग प्रेशर। माराबुजो कैंडलस्टिक को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करना बहुत यूज़फुल हो सकता है। इसे आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो या फिर पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑब्वियसली जो भी हम यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे ना, उसका इंडिविजुअली तो कुछ ना कुछ विन रेट तो है ही, बट जब आप उसको कोई स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करोगे ना, तो उसका इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाता है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो है रिवर्सल पैटर्न। कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न का यूज़ करके ट्रेडर्स पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न भी टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न और दूसरा होता है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। आज के वीडियो में हम सिर्फ बुलिश रिवर्सल पैटर्न कवर करेंगे और बेरिश रिवर्सल पैटर्न और एक कंटिन्यूशन पैटर्न बचता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में भी बहुत टाइप होते हैं, बट मेजरली 5 तरह के पैटर्न यूज होते हैं। सो उसमें से फर्स्ट जो हम आज कवर करेंगे वो है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको एक डाउन ट्रेंड के दौरान दिखता है और एक बुलिश रिवर्सल सिग्निफाई करता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुलिश हरामी पैटर्न क्या है और कैसे काम करता है। बुलिश हरामी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें दो कैंडलस्टिक होते हैं। पहला कैंडलस्टिक बहुत बड़ा होता है और रेड होता है। दूसरा कैंडलस्टिक जो कि पहले कैंडलस्टिक के अंदर फिट हो जाता है और बहुत छोटा होता है और ग्रीन होता है। दूसरा कैंडल पहले कैंडलस्टिक के रेंज के अंदर ही फिट होता है और इसका ओपन और क्लोज भी पहले कैंडलस्टिक के ओपन और क्लोज के बीच में ही होता है। आपको जनरली इसे एक डाउन ट्रेंड के एंड में ढूंढना है। ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेशन भी है। अब जापनीज में हरामी वर्ड को प्रेग्नेंट लेडी माना जाता है, सो इस पैटर्न को एज अ प्रेग्नेंट लेडी भी माना जाता है। बेसिकली ये मेन बॉडी मदर है और ये जो छोटा कैंडल है वो उसका चाइल्ड है, सो इसके लिए इसका नाम हरामी पैटर्न माना जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इस पैटर्न को समझेंगे। लेट्स से आपको ये चार्ट दिखा और यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न दिख सकते हो आप। इस चार्ट में पहले कैंडलस्टिक बहुत बड़ा है और रेड में है, फिर दूसरा कैंडलस्टिक बहुत छोटा है और ग्रीन है। दूसरा कैंडलस्टिक का जो रेंज है वो पहले कैंडलस्टिक के अंदर फिट होता है और इसका ओपन और क्लोज प्राइस भी पहले कैंडलस्टिक के ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में है। इस बुलिश हरामी पैटर्न से हमें ये समझता है कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट कम होती जा रही है और बुलिश सेंटिमेंट बढ़ रही है। इस पैटर्न के बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक का बाई करने का सही टाइम आ गया है। तो ये था बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप भी कैंडलस्टिक के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो बुलिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का ज़रूर ट्राई करना और प्रैक्टिस करना। मैं जितना भी इधर कैंडलस्टिक बोलूँगा ना, आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है इसके लिए, बट ये जितना आपको विजुअली आइडेंटिफाई होता है ना, उतना बेटर होता है, इतना समझ लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये पैटर्न भी मार्केट के डाउन ट्रेंड के दौरान ही पाया जाता है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड में ऑकर होता है और ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी देता है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले एक बेरिश कैंडल को देखना है जो कि लोअर हाई और लोअर लो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कैंडल बुलिश होता है जिसका ओपनिंग प्राइस लोअर कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस हायर कैंडल के ओपनिंग के ऊपर होता है। बुलिश कैंडल के रेंज में पूरा बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लेता है। इस पैटर्न को कन्फर्म करने के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का बुलिश मूव का वेट करना होता है। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में। हमें इस चार्ट में बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप देख सकते हो चार्ट में एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस लोअर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे है और क्लोजिंग प्राइस हायर कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर है। सो ये बुलिश कैंडल का रेंज में पूरा बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। सो इस पैटर्न को हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ये पैटर्न नेक्स्ट कैंडल के बुलिश मूव से ही कन्फर्म हो जाता है, जिसके बाद हायर लेवल्स पर जाता है। देखो इससे आप ये देख सकते हो कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था एक छोटा सा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर। इसको भी सेम आप प्रैक्टिस करो ताकि आप चार्ट में आपको आइडेंटिफाई हो जाए इजीली। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस में बुलिश पियर्सिंग पैटर्न एक आम सिग्नल है जिसके जरिए ट्रेडर्स अप ट्रेंड का कन्फर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कैंडलस्टिक की ज़रूरत होती है। पहला कैंडलस्टिक रेड जो बेरिश होता है और दूसरा कैंडलस्टिक होता है ग्रीन जो बुलिश होता है। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि बायर्स ने कंट्रोल को सेलर से ले लिया है और मार्केट में बुलिश ट्रेंड का पॉसिबिलिटी आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे आपको चार्ट में दिख रहा होगा पहला कैंडलस्टिक रेड है और दूसरा कैंडलस्टिक ग्रीन है। दूसरा कैंडलस्टिक पहले कैंडलस्टिक के 50% के ऊपर क्लोजिंग हुआ है जो कि बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स ने कंट्रोल अपने पास ले लिया है और अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट में एक अपट्रेंड आएगा। ट्रेडर्स बुलिश पियर्सिंग पैटर्न्स के बाद ही अपना बाई पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस ये पहले कैंडलस्टिक के लो के नीचे रख सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करता है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है बुलिश हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि नॉर्मली बेरिश ट्रेंड के एंड में ही फॉर्म होता है। ये भी इस पैटर्न में एक छोटी सी बॉडी फॉर्म होती है और एक लंबा शैडो फॉर्म होता है। इसमें ऊपर विक कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एक लंबा लोअर शैडो यानी टेल दिखता है। जैसे आप देख सकते हो ये एक डेली चार्ट हमने ओपन किया है जिसमें हमने कैंडलस्टिक देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक बुलिश हैमर पैटर्न बनाया हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न में देखिए छोटा बॉडी है और लंबा लोअर शैडो बनाया है जो कि एक बेरिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन था यहाँ पर। लेकिन इसके बाद प्राइस एक्शन में देखो बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गया प्राइस एक्शन और प्राइस हायर क्लोजिंग दे रहा है। ये बुलिश हैमर पैटर्न आपको एक बाय सिग्नल देता है और जनरली आप अपना स्टॉप लॉस ये हैमर का जो लो है ना उधर रख सकते हो। अगर आपने ट्रेड में एंट्री किया है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। तो ये था बुलिश हैमर पैटर्न का एग्जांपल। चलिए आज का लास्ट पैटर्न दैट इज 3 एडवांसिंग सोल्जर देखेंगे। ये पैटर्न भी बेरिश ट्रेंड के एंडिंग के समय ही देखने को मिलता है और मार्केट का ट्रेंड बदलने के साथ साथ स्टॉक का प्राइस भी बदलता है इसमें। इस पैटर्न के बारे में जानने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड और प्राइस मूवमेंट को बेटर समझना चाहिए। ओके, 3 एडवांसिंग सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा दीवाना देखते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है कि नहीं, जिनमें से हर एक कैंडल पिछले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है क्या। इस ये पैटर्न को आपको कन्फर्म करने के लिए आपको वॉल्यूम्स भी देखना है कि वो भी कैंडल्स के साथ साथ बढ़ रहे हैं क्या। अगर आपने ये पैटर्न को सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो ये आपको मार्केट का अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन दे देगा। जैसे हम ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आफ्टर अ डाउन ट्रेंड आपको एक 3 सक्सेसफुल एडवांसिंग सोल्जर कैंडल फॉर्म हुए, इसके बाद देखिए ना प्राइस कहाँ तक चला गया। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सिंपल है, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए
पैटर्न के साथ साथ और भी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना चाहिए कॉन्सेप्ट में। चलिए आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, इस सेशन में जितने भी कैंडल स्टिक्स मैंने आपको दिखाया ना, आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले जाओ कोई भी चार्ट खोलो और इसे आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। जब तक आप अपने आंखों से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो ना, आप इसको बेटर यूज नहीं कर सकते हो, इतना समझ लीजिए। सो अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपकी स्क्रीन पे होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में Zerodha का लिंक डाल दूंगा। हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये बैकटेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी शेयर किया है अपने चैनल पे। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते कि हम बैकटेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटजीज के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। More awesome contents are on the way, so see you next time.